الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معزز حاضرين الجمعة، आज के खुतबे जुमा के लिए टॉपिक है बिदअत की तबाहकारियां, डेंजर्स ऑफ बिदअत। बिदअत क्या है पहले इसको समझ ले, फिर बात आगे बढ़ा। अरबी जुबान में बिदअत का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसका पहले से कोई एग्जाम्पल मौजूद ना हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत कुरान में इस्तेमाल हुई है, बदी उस समावात। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और ऐसे पैदा किया कि इनका पहले से कोई एग्जाम्पल नहीं था, पहले से कोई मॉडल नहीं था कि अल्लाह ने उस मॉडल को सामने रख करके जमीन और आसमान। तो बिदअत का लुगवी मतलब, लिटरेरी मीनिंग क्या है इसका? ऐसा कोई काम करना जिसकी पहले से कोई मिसाल मौजूद ना हो। शरीयत में कहते हैं बिदअत ऐसा काम जिसका ताल्लुक दीन से हो, जिसको दीन समझकर या सवाब समझकर किया जाए और उसकी कोई असल, उसका कोई प्रूफ, उसकी कोई बुनियाद कुरान और हदीस में मौजूद हो। यह है बिदअत। अब यह बिदअत कितनी डेंजरस चीज है, कितनी खतरनाक चीज है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में इस बिदअत का जिक्र करते हैं।
और किस अंदाज में करते थे, किस स्टाइल में करते थे। सही मुस्लिम की वो हदीस आप उठाएं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का अंदाज बयान और अल्लाह के रसूल की तकरीर का अंदाज बयान जिक्र किया गया है, और उसमें फिर आगे रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में कहते थे, फइन्ना खैरल उमूरी फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब का बात, वशर्रल उमूरी मुहदतातुहा और सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा और दीन के अंदर हर नया निकाला गया काम बिदात है, वकुल्लु बिदातिन ज़लाला और हर बिदात गुमराही है। यानी कुछ तो है इसके अंदर कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में बार बार इसी बिदात को गुमराही करार दे रहे हैं। तो इतनी डेंजरस चीज, तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जोर दे रहे हैं। और वो हदीस भी आप याद करते, बड़ी मशहूर है हदीस, हजरत इरबाद बिन सारिया की हदीस, अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, तिर्मिजी के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और ऐसा खुतबा दिया कि सहाबा रो पड़े, आंखों से आंसू बह पड़े, दिल कांप उठे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपकी नसीहत तो ऐसी लग रही है जैसे कोई अलविदाई नसीहत, जैसे कोई रुखसत हो रहा हो, कोई जा रहा हो और वो नसीहत कर रहा हो, ऐसी नसीहत आपकी मालूम हो रही है। या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि इस मौके पर आप हमें कुछ वसीयत कर दें। एक वसीयत तो वो होती है जब दुनिया से कोई जाने लगे तो वसीयत करता है, और एक वसीयत का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई अहम बात। तो जब कोई अरबी जुबान के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट और अहम बात को वसीयत कहा जाता है। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें कुछ वसीयत कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वसीयत की आपने, इंपॉर्टेंट बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपने बयान की। उसमें आपने पहली बात कही, अलैकुम बितक्वल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, हर हाल में अल्लाह से डरते रहो, वस्समी वत्ताह, और तुम्हारा जो अमीर हो अपने अमीर की इताअत करो, व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुल हबशी, अगरचे तुम्हारा अमीर कोई हबशी गुलाम बना दिया जाए लेकिन अगर वो तुम्हारा अमीर है तो जब तक उसकी बात शरीयत के खिलाफ ना हो उसकी इताअत करो। उसके बाद फरमाया, वकियाकुम व मुक्तसात, दीन के अंदर नए कामों से बचो, मेरी उम्मत में इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ के मौके पर मेरी सुन्नत को थामे रहो और दीन के अंदर नए कामों से बचो, बिदात से बचो। तो यहां भी आप गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात से बचने को, तो ये हो गई बिदअत की डिफिनेशन, और बिदअत अल्लाह के रसूल की नजर में कितनी खतरनाक है इस पर मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली। अब आइए हम अपने असल टॉपिक पर बढ़ते हैं, बिदअत के खतरे क्या हैं, बिदअत के डेंजर्स क्या हैं, बिदअत के नुकसान क्या हैं। बिदअत का सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान, ये उम्मत की यूनिटी को खत्म करती है। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है ना, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, मुसलमान एक थे, उनके अंदर फिरके पैदा हुए बिदअत के जरिए। सहाबा के दरमियान इख्तलाफ नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन फिरका नहीं था। ये नहीं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के फॉलोवर अलग हो गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर के फॉलोवर अलग हो गए, बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफ था, और वो इख्तलाफ तासुब की बुनियाद पर नहीं था। सहाबा के दरमियान इख्तलाफ दलील की बुनियाद पर होता था। अगर एक सहाबी को मालूम हो गया कि नहीं, मैं जिस इस मसले में मेरा जो स्टैंड है, मेरी जो राय है, उसके खिलाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, सहाबी फौरन वजूद कर लेते। लेकिन फिर जब बिदात पैदा हुई, शिया पैदा हुआ, खवारिज पैदा हुए, फिर तकदीर का इनकार करने वाले कदरिया पैदा हुए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का इनकार करने वाले जहमिया पैदा हुए, फिर मोतजिला पैदा हुए, दुनिया भर के फिरके पैदा हुए, बिदात के जरिए पैदा हुए।
और इसलिए आपने गौर किया कि सहाबा ने और सलफ ने अपना जो नाम रखा वो नाम क्या था? अहलुस सुन्नत वल जमाअ, सुन्नत और यूनिटी, इज्तिमाईयत पर चलने वाले थे। सुन्नत पर जो चलेगा वो इज्तिमाईयत यूनिटी के साथ रहेगा, और इसीलिए सलफ के यहां अहले सुन्नत को अहले सुन्नत वल जमा कहा गया और अहले बिदअत को अहलुल बिदअत वल फुरका कहा गया कि बिदअत ये बिदअती फुरकत वाले हैं, इख्तलाफ वाले हैं, और सुन्नत पर चलने वाले ये इज्तिमाईयत वाले हैं, ये इत्तेहाद वाले हैं, ये यूनिटी वाले हैं। तो बिदअत का सबसे बड़ा इख्तलाफ, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसने उम्मत के शिराजे को मुंतशिर किया। आज आप देखें वो उम्मत जिसे नबी ने एक बनाया था, और ऐसा एक बनाया था कि नबी ने कहा मेरी उम्मत की के इत्तेहाद की मिसाल एक इंसानी बॉडी की तरह होनी चाहिए। मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम, मुसलमानों तुम्हारे इत्तेहाद की मिसाल एक इंसानी शरीर की तरह होनी चाहिए। जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, इंसान के बदन में अगर एक अज्व के अंदर, एक पार्ट के अंदर भी तकलीफ हो तो सारी बॉडी जो है वो मुतासिर हो जाती है, सारी बॉडी पर उसका असर पड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा इत्तेहाद ऐसा होना चाहिए। मगर आज उसी उम्मत का यह हाल है कि अलग अलग मसलक के नाम पर अलग अलग मस्जिदें बनी हैं, और एक मसलक की मस्जिद पर दूसरे मसलक वाले को एंट्री की इजाजत नहीं। बोर्ड लगा है बाहर, फला फला मसलक वाले हमारी मस्जिद बनाए, अगर आएंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार। इतना इख्तलाफ, तो ये बिदअत का सबसे बड़ा ड्रॉप है। नबी ने पत्थर खा के लोगों को मिलाया है, और बिदअत ने हमें अच्छे अच्छे खाने खिला करके हमको एक दूसरे से अलग किया। बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी टोपियां हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां हैं, बड़े बड़े स्टेज हैं, और इन्हीं बिदात को प्रमोट किया जा रहा है, इन्हीं बिदात को फरोग दिया जा रहा है, और फिर इसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है फला की मस्जिद में मत जाओ, फला से सलाम मत करो, फला से मुसाफा मत करो, फला से ताल्लुक मत रखो। तो बिदअत ने ये सबसे बड़ा नुकसान किया, हमें तोड़ा है, हमारे इत्तेहाद को खत्म किया, हमारी यूनिटी को बर्बाद किया। बिदअत का दूसरा नुकसान, बिदअत करने वाला ये समझ रहा है कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना आया, जो बेचारा साल भर कभी नबी का नाम नहीं लेता वो नबी के नाम पर जश्न मना रहा है, जिसके सर से पैर तक नबी की एक सुन्नत जिसके अंदर नजर नहीं आती वो बड़ा आशिक रसूल बना फिर रहा है। कहीं केक कट रही है, कहीं नबी के पैदाइश के नाम पर बड़े बड़े, आपके कलकत्ता में भी मैं समझता हूं कि दुनिया भर के जुलूस निकलते। एक मरतबा रबीउल अव्वल में मेरा सफर हो गया मालदा की तरफ, पूरा कलियाचक मार्केट से लेकर के पूरा मालदा तक पूरी रोड ब्लॉक। नबी की तो तालीम यह है मेरे भाई के रास्ते में कूड़ा गिरा हो, कोई तकलीफ की चीज हो उसको हटा दो, हमने उस नबी का नाम लेके आज रास्ते ब्लॉक कर दिए, और इसे मोहब्बत रसूल के। लेकिन हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनकी नजर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखो बिदअत के नाम पर किया जाने वाला अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहां एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरतुल गाशिया की तिलावत करते हैं, हलाता का हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ लोग आएंगे, बड़ी मेहनत करके, बड़े अमल करके, बड़े सजदे करके, बड़ी इबादतें करके आए होंगे, आमिलतुन नासिबतुन, अमल करके थक चुके होंगे, इतने अमल किए होंगे। रजब का महीना आया, 100-100 रकात उन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी, शाबान की 15 तारीख को उन्होंने रोजे भी रखे हैं, बहुत सारे ऐसे रोजे और बहुत सारी ऐसी नमाजें उन्होंने पढ़ी हैं जो कुरान से, जो नबी की हदीसों से साबित नहीं है, उन्होंने अमल करके अपने आप को थकाया है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, तसला नारन हामिया, अमल करने के बावजूद वो जहन्नम में डाले जाए। अमल किया है मगर अमल उस कसौटी पर नहीं है जो प्यारे नबी ने अल्लाह ने बताई है। मेरे आज आपने जुमा का दिन है, शायद आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिए। सूरह कहफ में भी अल्लाह ने जिक्र किया है बिदअतियों का अंजाम,
قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں جن کے دنیا کے سارے اعمال برباد ہو گئے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ہم نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے عمل کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا شمار نہیں کیا جائے گا اللہ کیا ان کا عمل مانا نہیں جائے گا کیوں کیونکہ اللہ کی کسوٹی پر وہ اللہ کی کسوٹی میں دو چیزیں کنڈیشن ہیں ایک تو عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو سنت کے خلاف نہ ہو اور شرک ساتھ میں نہ ہو توحید اور نبی کی اتباع یہ دو کنڈیشن ہیں یہ بنیادی کنڈیشن ہیں ان کے بغیر اللہ کے کوئی عمل قبول نہیں تو بدعت کا یہ دوسرا نقصان بدعتی سمجھ رہا ہے وہ ثواب کما رہے تو ثواب نہیں عذاب کما رہا ہے تیرے نام اعمال میں نیکی نہیں گناہ لکھا جا رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہمارے تو بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے ہمارا حکم نہیں آج تو بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بیچارے بڑے بڑے علامہ لوگ کہتے ہیں پوچھو ان سے منع کہاں نبی نے یہ نہیں کہا کہ منع کہاں ہے نبی نے ہمیں کسوٹی دی ہے پوچھو ثابت کہاں ہے بدعت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ثابت نہیں ہے اگر ہم نے یہ اصول بنا لیا منع کہاں ہے تو پھر دین تو حیدرآباد کی حلیم بن جائے گا اور کلکتہ کا رسول اللہ بن جائے گا جیسے چاہے ویسے کھا لو جیسے چاہے ویسے بنا لو دین اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہے اللہ کا دیا ہوا دین ہے اگر ہم اس میں یہ اصول بنا دیں منع کہاں ہے تو چلو بھائی پانچ ہی ٹائم کی نمازیں کیوں دو چار ٹائم کی اور بڑھا لے تو منع کہاں ہے ابھی آپ نے پوری اذان سنی اللہ اکبر پر اذان شروع ہوئی لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی مؤذن صاحب سے میں سوال کرتا ہوں جناب آپ نے اذان کیسی دی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ کی اذان کے لاسٹ میں صرف لا الہ الا اللہ آیا آپ کی اذان صحیح نہیں آپ آخر میں محمد رسول اللہ بڑھائیے مؤذن صاحب پوچھے ارے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کہوں گا منع کہاں ہے تو یہ دین کے اندر یہ نہیں چلے گا منع دین کے اندر یہ چلے گا ثابت کہاں ہے ویئر از دا پروف پروف کہاں ہے دین کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا منع تو نبی نے کہا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے مردود ہے نوٹ بندی ہوئی نا پرانے 500 کے 1000 کے نوٹ ابھی بھی عورتوں نے کہیں چھپا کے ہمارے الماری میں رکھے ہوں گے وہ نکال کے آپ ذرا مارکیٹ میں لے کے چلیے کوئی لے گا کیا 10 روپے کا سامان بھی کوئی آپ کو نہیں نوٹ وہی ہے پرانی جو چلتی تھی لیکن اب حکومت نے کہہ دیا نہیں انویلڈ ہے حالانکہ یہ 2000 کی نئی نوٹ آئی اس سے اچھا کاغذ تھا اس کا اس سے اچھی کوالٹی تھی اس کی پیپر کی پیپر کی کوالٹی نہیں چلے گی یہ دیکھا جائے گا اس پر حکومت نے اس کو ویلڈ قرار دیا ہے کہ نہیں شریعت نے اللہ نے رسول نے جس کو ویلڈ نہیں قرار دیا جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے مردود ہے وہ تو یہ بدعت کا دوسرا نقصان ہے میرے بدعت کا تیسرا نقصان بدعت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلیم کرتا ہے اللہ پر ایک الزام لگاتا ہے کیا الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین انکمپلیٹ ہے وہ دین ادھورا ہے ہم اس کو میلاد کے ذریعے پورا کر رہے ہیں ہم اس کو 11ویں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں ہم اس کو 12ویں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں ہم اس کو محرم کے تعزیے کے ذریعے پورا کر رہے ہیں دین کمپلیٹ ہے میرے بھائی اللہ کو الزام کیوں دے رہے اللہ نے تو 1400 سال پہلے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میرے بندو میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا پرفیکٹ کر دیا اب اس دین کے اندر کسی کمی کی کسی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین مکمل ہے بدعت کر رہے ہو اللہ کو بلیم کر رہے ہو اللہ پر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے دین کو انکمپلیٹ دیا ہے تم کمپلیٹ کرنے چلے اور بدعت کا ایک نقصان ہو رہا ہے یہ رسول پر بھی بلیم ہے بھائی رسول کی ڈیوٹی کیا تھی بولو بھائی رسول کی ڈیوٹی یہی تو تھی اللہ نے جو دین دیا ہے
उसे एज इट इज पूरी अमानत के साथ उम्मत तक पहुंचा दिया था। ये रसूल की ड्यूटी थी मेरे भाई। और एक बात आपको बताऊं, रसूल पर हमले होते थे, रसूल पर जानलेवा हमले भी हुए थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह मायदा की आयत नंबर 67 नाज़िल की, अल्लाह ने अपने नबी को प्रोटेक्शन दिया। अल्लाह ने कहा हम आपकी हिफाजत करेंगे, कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता, हम आपकी हिफाजत करेंगे। बस एक कंडीशन है, आप अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे। ड्यूटी क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल अल्लाह ने आपकी तरफ जो उतारा है आप उसको एज इट इज उम्मत तक पहुंचा दे। वह इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया, आपने अल्लाह के रसूल होने का हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और ऐ मेरे नबी जब तक आप ये ड्यूटी पूरी करते रहेंगे अल्लाह का वादा है अल्लाह आपको प्रोटेक्शन देगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। जब सूरह मायदा की आयत नाजिल हुई अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना कर दिया, मेरे कमरे के बाहर पहरा मत दिया करो, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। नबी नबी की ड्यूटी थी। और नबी ने दुनिया के सबसे अजीम और सबसे मुबारक इज्तिमा में, उससे बड़ा इज्तिमा और उससे मुबारक इज्तिमा इस कायनात में कभी नहीं, उस इज्तिमा के हेड है, उस इज्तिमा के अध्यक्ष, उस इज्तिमा के सदर है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस इज्तिमा के जो सामईन हैं वो इस दुनिया में नबियों के बाद सबसे मुकद्दस लोग हैं, 1,25,000 सहाबा। अरफात का मैदान है, मेरे नबी खड़े होकर सहाबा से कहते हैं अय्युह अन्नास अंतुम तुसअलूना अन्नी फमा अंतुम कायलून, ऐ मेरे सहाबा मेरे बारे में कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें अल्लाह का दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, फमा अंतुम कायलून, तो तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह की कसम 1,25,000 सहाबा ने बयक जुबान कहा या रसूल अल्लाह कद बल्लगता व अदैता व नसहता, ऐ अल्लाह के रसूल हम यही गवाही देंगे आपने अपना हक अदा कर, आपने अपनी खैरखाही का हक अदा कर। अरे मेरे नबी ने पत्थर खाए इसी दीन को पहुंचाने के लिए, मेरे नबी ने गालियां सुनी इसी दीन को पहुंचाने के लिए, मेरे नबी ने अपना वतन छोड़ा इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए। उहद के मैदान में मेरे नबी का चेहरा जख्मी हुआ, मेरे नबी के दांत टूटे, मेरे नबी के गाल से खून रिस के बह रहा है इसी दीन को पहुंचाने के लिए, हमें और आपको दीन देने के लिए। 1,25,000 सहाबा ने बयक जुबान या रसूल अल्लाह हम गवाही देंगे आपने अल्लाह का हक अदा कर दिया, आपने रसूल होने का हक अदा कर। मेरे नबी ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई, एक बार आसमान की तरफ उंगली कर दे एक बार सहाबा की तरफ करते और कहते अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। नबी ने दीन पहुंचा दिया, सहाबा ने गवाही दे दी, और तुम बिदअत निकाल के नबी को ब्लेम कर रहे हो कि नबी ने पूरा दीन नहीं पहुंचाया। नबी ने जो दीन पहुंचाया उसमें कोई जुलूस नहीं था मेरे भाई, नबी ने जो दीन पहुंचाया उसमें 10 मुहर्रम हर साल आती थी कोई ताजिया नहीं निकलता, नबी ने जो दीन पहुंचाया उसमें रजब का महीना हर साल आता था कोई कूड़ा नहीं होता था, उसमें कोई ग्यारहवीं नहीं होती थी, कोई मजार नहीं थी, कोई दरगाह पर चादर नहीं चढ़ती थी, कोई फातिहा नहीं होता था, कोई तीजा नहीं होता था, कोई चालीसवां नहीं होता था। तुम बिदअत निकाल के नबी को ब्लेम कर रहे हो, और इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला बता रहा हूं, अपने बच्चे बच्चे को ये जुमला याद कर और अपने दिमाग की के ब्लैक बोर्ड पे ये जुमला लिख लो नोट कर लो। इमाम मालिक कहा करते थे मन ज़ादा मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन हसनतन, जिसने इस्लाम के अंदर कोई बिदअत निकाली और वो ये समझता है कि वो बिदअत अच्छी है फकत ज़ामा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसाला, तो गोया कि वो ये दावा कर रहा है कि अल्लाह के रसूल ने रिसालत की जिम्मेदारी पहुंचाने में नऊज़ु बिल्लाह खयानत की है, बेईमानी की है, नबी ने दीन पूरा नहीं पहुंचाया। क्यों? आगे इमाम मालिक दलील भी देते हैं, इमाम मालिक भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस पर चलने वाले थे, दलील दे देते तो कुरान से दे देते, ये हदीस से वो मंतिक से दलील नहीं देते थे, जैसे आज हमारे यहां मंतिक से दलीलें दी जाती है। आजकल देखिए आप बिदअत को प्रमोट करने वाले दलीलें कैसी देते हैं, ईरान की तुरान की इधर के उधर की अपनी दलीलें, पब्लिक हा हा कर रही है, लोगों ने कहा बहुत अच्छी हमारे मौलवी साहब ने दलील दी।
इमाम मालिक कह रहे जो बिदात करता है वो नबी को ब्लेम करता है, नबी ने दीन को पहुंचाया नहीं, फिर दलील देते क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह मायदा के अंदर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं फमालम यकुन यौम इज़िन दीना फला यकुन यौम दीना, जो चीज उस दिन जिस दिन ये कुरान की आयत नाजिल हुई उस दिन जो चीज दीन के अंदर शामिल नहीं थी वो आज भी दीन नहीं बन सकती। अल्लाह ने कहा ना आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा था कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो जो चीज उस दिन दीन के अंदर शामिल नहीं थी वो आज 2021 में 2020 में वो चीज दीन नहीं बन सकती। ये बात याद रखना, बिदअत का एक बहुत बड़ा खतरनाक पहलू ये भी है कि बिदअत जो होती है ना, बिदअत करने वाला अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करता है। आप गौर कीजिए कि जितनी बिदात है उससे लोगों के फायदे जुड़े हुए, और बिदात इसीलिए बंद नहीं हो रही, कुछ लोगों के पेट की दुकान उससे चल रही, तो बिदात ये ख्वाहिशात पर चलने का नाम है। और इसीलिए मैंने खुतबे मसनूना में जो आयत आपके सामने पढ़ी थी सूरह कसस की आयत नंबर 50 है, आयत नंबर 50, अल्लाह ने कहा दो ही रास्ते हैं, या तो नबी की पैरवी है या ख्वाहिशात की पैरवी है, तीसरी कोई पैरवी नहीं है दुनिया में। नबी को छोड़ रहे हो तो समझ लो तुम ख्वाहिशात की पैरवी करो। अब आइए वो आयत में पढ़ देता हूं, सूरह कसस आयत नंबर 50, फइन लम यस्तजीबु लका फअलम अन्नमा यत्तबिउन अहवाअहुम, ऐ नबी अगर ये लोग आपको फॉलो नहीं करते, अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते, तो ऐ नबी आप याद रखिए कि ये ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे हैं, ये अपने मन की बातों पर चल रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं। वमन अदल्लु मिम्मन तबा हवाहु बिगैर हुदम मिनल्लाह, और जो अल्लाह ताला की हिदायत को छोड़ करके अपनी ख्वाहिशात पर चले उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं। कभी आपने गौर किया कि हमारे दीन में कदम कदम से ख्वाहिशात के खिलाफ चीजें क्यों? सुबह आदमी फजर के टाइम उठता है उसको नींद लगती रहती है, उस टाइम फजर की नमाज लंबी पढ़ने को होती है, असर के टाइम ऐसा कोई मसला नहीं है असर की नमाज हल्की होती है। अक्ल ये कह रही है, सेंस ये कह रहा है सुबह का टाइम है, आदमी रात में ज्यादा सोया नहीं है, फजर की नमाज हल्की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये दीन का मामला है, तेरी सेंस नहीं चलेगी यहां पे। नबी ने अगर फजर की नमाज लंबी पढ़ी है तो तुझे लंबी पढ़ना है, नबी ने असर हल्की पढ़ी है तो तुझे असर हल्की पढ़नी है, नबी ने मगरिब तीन रकात पढ़नी है तो तुझे तीन रकात ही पढ़नी है, नबी ने चार ईशा पढ़ी है तो तुझे चार ही पढ़नी है, यहां सेंस नहीं चलेगा। और हज करने जो लोग हैं, अल्लाह हम सबको जिंदगी में एक बार तौफीक दे, जो लोग हज करने गए वो तो जानते हैं कि वहां कदम कदम पे इंसान की अक्ल और इंसान के सेंस के खिलाफ काम करवाया जाए। अब भाई आप मक्के में रह रहे थे, एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर आपको मिल रहा था, फर्स्ट क्लास आप होटल में रहते थे, नमाज आके हरम में पढ़ते थे, फिर आराम से होटल में जा रहे थे, 8 तारीख आ गई ज़िलहिज्जा, अब अल्लाह का हुक्म आ गया चलो भाई अब मक्का छोड़ दो मीना चले जाओ, या अल्लाह यहां आराम से होटल में रह रहे हैं, वहां टेंट में रहना पड़ेगा और वहां कोई काम भी नहीं करना है, 8 तारीख को खाली जाना है, खेमे में रहना है, 5 टाइम नमाज पढ़ना है। अब कोई बंदा ये कहे नहीं मैं आज होटल नहीं छोड़ूंगा, मैं हरम नहीं छोड़ूंगा, मैं 1,00,000 नमाज क्यों छोड़ूंगा, मीना में क्यों जाऊं, तेरा हज नहीं होगा अल्लाह के, नबी ने जैसे बताया वैसे तुझे करना, 8 को गया मीना में 5 टाइम की नमाज पढ़ना, फिर 9 को हुक्म दिया गया चल तू अरफात की तरफ चल, अरफात में गया वहां जोहर असर की नमाज एक साथ पढ़ी, फिर जोहर के टाइम से लेकर सूरज डूबने तक वहां रहना है, इतना टाइम है, या अल्लाह 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लू, टाइम मेरे पास बहुत फ्री हूं, नहीं तुझे कोई नमाज नहीं पढ़नी, तू बस दुआ कर अल्लाह से, कोई नमाज नहीं पढ़नी, जोहर असर पढ़ लिया अब तो यहां पे सिर्फ दुआ करेगा अल्लाह का जिक्र करेगा। अच्छा मगरिब का टाइम हो गया, अल्लाह मगरिब पढ़ लू, नहीं अब तो मगरिब और ईशा इकट्ठे पढ़ेगा मुस्तलफा, फिर 10 तारीख आई, वो तीन जो जमरात है, तीन जो पत्थर है जिनको कंकरी मारनी है, उसमें से एक पत्थर को कंकरी मारनी है 10 तारीख को, बाकी तीन दोनों को नहीं मारनी। तो ये कदम कदम पे ऐसे काम है जो हमारी सेंस काम नहीं करती, हमारी अक्ल काम नहीं करती, अल्लाह ने करवाया है ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि दीन की हर बात तेरी सेंस और तेरी अक्ल में आए। दीन
दीन का मतलब है टू फॉलो, दीन का मतलब है टू ओबे, दीन का मतलब है नबी की बात मानना, शरीयत की बात मानना, सेंस और अक्ल पर चलना है तो तू बिदअती बन जा, जो तेरे अक्ल में आए, जो तेरे दिमाग में आए, जो तुझे अच्छा लगे वो काम कर, तू बिदअती हो जा। तो सुन्नती अगर बनना है, सुन्नत पर चलने वाला बनना है तो ख्वाहिशात को नहीं नबी को फॉलो करना। और आखिरी दो बातें बयान करके बात खत्म करूंगा। बिदअत का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है मेरे भाई, ये जो बिदअत होती है ना, ये जब भी आती है, मेरा ये जुमला नोट कर, बिदअत जब भी आती है कोई सुन्नत लेके जाती है। हजरत हसन बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब भी बिदअत आई है, जब भी किसी कौम ने कोई बिदअत निकाली है, जरूर कोई ना कोई सुन्नत गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है फर्ज नमाज का सलाम फेरा जाए, आवाज बुलंद तकबीर और तस्बीह के कलमात कहे जाए, उसके बाद जो दुआएं हैं, जो अज़कार हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, रब्बे अईनी अला ज़िक्रिक, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत, आयतुल कुर्सी है, सूरह फलक, सूरह नास है, ये तमाम चीजें पढ़ने का हुक्म है अल्लाह के नबी की सुन्नत। हमारे यहां क्या हुआ, इमाम साहब ने सलाम फेरा, इमाम साहब मुतवज्जे हुए पब्लिक की तरफ, इमाम साहब ने हाथ उठाया, अब पब्लिक ने भी हाथ उठा लिया, इमाम साहब क्या दुआ कर रहे हैं पब्लिक को कुछ मालूम नहीं, पब्लिक को इतना पता है इमाम साहब ने हाथ उठाया, हमें भी हाथ उठाना है, इमाम साहब ने हाथ नीचे कर दिया, पब्लिक ने भी नीचे कर दिया, इमाम साहब भी खड़े होकर सुन्नत पढ़ने लगे, पब्लिक भी खड़ी होकर सुन्नत पढ़ने लगे। अब ये जो इज्तिमाई दुआ हो रही है नमाज के बाद, जाहिर है कि ये बिदअत है, इंडिविजुअली आप दुआ करना चाहें फर्ज नमाज के बाद, आपको कोई जरूरत है, अल्लाह से कुछ मांगना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हर्ज नहीं, कर सकते आप। लेकिन ये जो शक्ल है, इमाम साहब दुआ करें, आप सब भी दुआ करें, अब औलाद चाहिए, इमाम साहब को कह रहे हैं अल्लाह मुझे औलाद दे दे, आप अपने लिए भी औलाद मांग रहे। इमाम की दुआ अलग है, आपकी दुआ अलग है, भाई इमाम ने सलाम फेरा, आपका कनेक्शन इमाम से टूट गया। अब ये बिदअत आई तो नतीजा क्या निकला कि फर्ज नमाजों के बाद जो अज़कार है हमारे जिन भाइयों के यहाँ, फर्ज नमाज के बाद ये बिदअत हो रही है, आप जाके नजर उठा ले उनके यहाँ नमाज के बाद के अज़कार नहीं पड़े जाते इल्ला माशा। एक बिदअत आई सुन्नत, शबे बरात जिसका कोई सबूत नहीं, पूरी पूरी रात जागे जाग रहे हैं लोग, और शबे कद्र जिसमें नबी जागे हैं, जिसमें सहाबा जागे हैं, जिसमें नबी की बीवियां जागी हैं, उस रात लोग सोए रहते हैं, उस रात लोग आराम करते हैं। एक बिदअत आई, एक सुन्नत है। तो ये उसूल है मेरे भाई, बिदअत आएगी तो जरूर कोई ना कोई सुन्नत जाएगी, और बिदअत ये शैतान को बहुत पसंद है। इमाम सुफियान सॉरी कहा करते थे, अलबिदअतु अहब्बु इला इबलीस मिन अल मासिया, इबलीस को बिदअत ज्यादा पसंद है बनिस्बत गुनाह के, गुनाह के मुकाबले में बिदअत शैतान को ज्यादा पसंद है। क्यों, लअन्न अल मासिया युताबु मिनहा वल बिदअतु ला युताबु मिनहा, बिदअत करने वाला तौबा नहीं करता, गुनाहगार तौबा कर लेता। एक आदमी सिगरेट पी रहा है, मौलवी साहब ने समझा दिया सिगरेट छोड़ देगा। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, मौलवी साहब ने समझा दिया नमाज शुरू कर दी उसने। लेकिन बिदअत करने वाले को मौलवी साहब समझाएंगे तो उल्टे मौलवी साहब का दुश्मन हो जाएगा, अरे ये तो मुझको मेरे बाप दादा इतना अच्छा अच्छा काम करते तो मुझको रोक रहा है, वो मौलवी का दुश्मन बन जाएगा। तो बिदअत को शैतान इतना मुजय्यन करके, इतना अट्रैक्टिव बना करके, इतना सजा करके पेश करता है कि पब्लिक को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा काम है, दीन का काम है, इसमें तो बड़ा फायदा है। और मेरे भाई हम सब अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, और हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कयामत के दिन हम अपने नबी के जरिए कौसर का जाम हमें नसीब हो, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बिदअत का ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बिदअती नबी के हाथों कौसर का जाम पीना तो दूर की बात है, नबी के पास से धुतकार दिया जाएगा कयामत। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मैं जब कौसर पर रहूंगा कयामत के दिन हौजे कौसर पे, और मैं अपनी उम्मत के लोगों को हौजे कौसर का पानी पिलाऊंगा, तो कुछ लोग आएंगे और मैं चाहूंगा कि मैं उनको कौसर का पानी पिला दूं, लेकिन फरिश्ते मुझे रोक देंगे, नहीं ऐ अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। तो मैं पूछूंगा क्यों, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे लोग हैं, इनके वजू के निशान भी हैं, इनकी बॉडी पर सज्जे के निशान भी हैं, इनको पानी पिलाने दो कौसर का। तो फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम। और जब मेरे नबी को यह पता लगेगा ये बिदअती लोग हैं,
इन्होंने मेरे नबी मेरे दीन की शक्ल को बदला है, मेरे दीन को बदला है, मेरे दीन में नए नए काम निकाले हैं। तो वही नबी जो अभी तक उनको अपना उम्मती कह रहे थे, अपना कह रहे थे, वही नबी बड़े गुस्से में कहेंगे सोफन सोफन लेमन गैर अबादी, इनको घसीट करके जहन्नम में लेके जाओ, इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया। मेरे भाई, बड़े दर्द के साथ, बड़े प्यार के साथ मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने आप को बिदअत से बचाओ, और अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने रिलेशन में अगर कोई बिदअत में मुब्तला है उसे समझाने की कोशिश, उसे नफरत नहीं करना है। बहुत सारे हमारे अहले हदीस भाई कहते हैं, वो सलफ ने लिखा है कि बिदअती से सलाम मत करो, बिदअती से ताल्लुक मत रखो, ये बात भी नोट कर ले। आप सलफ के जो अकवाल है बिदअती को सलाम न करने के बारे में, बिदअती से ताल्लुक न रखने के बारे में, उनका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, उनका अपना एक बैकग्राउंड है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे माहौल में जो बिदअती रहते हैं, इनके ऊपर वो सारे अकवाल अप्लाई नहीं होंगे। अवाम की अक्सरियत बिदअत को जानती नहीं है, उनके मौलवियों ने पट्टी पढ़ा के रखी, वो बिदअत को दीन समझ के कर रहे हैं। और आप अगर दूर हो जाएंगे उनसे और आप उन अकवाल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साहब हमें उनसे ताल्लुक नहीं रखना, उनसे हमें दुआ सलाम नहीं रखना, उनको उनसे हमें मेल जोल नहीं रखना, उन्हें कौन समझाएगा कि सुन्नत क्या है? उनके साथ ताल्लुक कायम कीजिए, उनसे उनके साथ उठिए बैठिए, उनको दावत दीजिए, ये हमारी और आपकी ड्यूटी है मेरे भाई। और उस दर्द को महसूस कीजिए। आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता आपको तकलीफ होती है कि नहीं? आपके पड़ोस में कोई जना करता आपको तकलीफ होती है कि नहीं? उससे ज्यादा तकलीफ आपको होनी चाहिए अगर आपका पड़ोसी किसी दरगाह पे जाकर चादर चढ़ा, उससे ज्यादा तकलीफ आपको होनी चाहिए अगर आपका पड़ोसी बिदअत का कोई काम कर रहा है। और बास बिदअतें तो ऐसी होती है जो इंसान को कुफ्र तक लेके चली जाती है, इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है। एक अच्छा खासा कलमा गो मुसलमान अगर इस्लाम से खारिज हो रहा है मेरे भाई, तो हमें उसका दर्द होना चाहिए। तो इसका दर्द महसूस करें, उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उससे दूर ना हो, उसको अपने से दूर ना करें। ये दावत के आदाब में से और दावत का तरीका है मेरे भाई। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म की बिदात से, खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उन तमाम भाइयों को जो सुन्नत और बिदात में फर्क नहीं समझ पाते, जिनको चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए बिदात और खुराफात को अट्रैक्टिव बना करके उनके दिमाग में बिठा दिया गया है, अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को समझ अता फरमाए। अल्लाह हमें उस दीन पर चलने की तौफीक दे जो दीन नबी ने अपने सहाबा को, अल्लाह ताला हमें उस दीन पर चलने की तौफीक दे जो दीन कुरान और हदीस के जरिए हमें और आपको मिला है। अल्लाह हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की वबा से, बला से, मुसीबत से महफूज रखे। अब में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजल अता फरमाए। जो लोग अपनी बच्चियों के, अपनी बहनों के निकाह के लिए परेशान हैं अल्लाह उनके दीनदार जगहों पर उनके रिश्ते करा दे। जो लोग कारोबार और रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में उनके रिस्क में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह कोरोना वायरस की वबा से हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, हमारे इलाके की और हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारी खवातीन को दीन पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की हर बला और मुसीबत से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। दुनिया और आखिरत दोनों में हमें सुखरू और कामयाब रखे। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, और खात्मा हम सबका ईमान पर हो, आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون